हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसके आज रनिंग पॉइंट। आज मैं आपके सामने दो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले लेके आया हूँ, बट अगर हम इनका सही से यूज़ करें तो ये बहुत ही कमाल फॉर्मूले हमारे लिए साबित हो सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है मैक्स फॉर्मूला। मैक्स फॉर्मूले को किस तरीके से हम कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इनकम है और उनका टैक्स परसेंटेज। अगर मैं अपने इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सिंपल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स परसेंटेज। अब मैं देखूँगा यहाँ पे मेरे पास सबका टैक्स वैल्यू निकल के आ जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ अमाउंट ऐसा भी हो जिसमें माइनस में इनकम आए, यानी माइनस में कोई वैल्यू आए तो क्या होगा। माइनस में अगर कोई वैल्यू आती है तो उसका टैक्स माइनस में कैलकुलेट कर लेगा, जो कि इनकरेक्ट है। या तो यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, अगर प्लस में वैल्यू है तो आपका टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो तो आ नहीं सकता, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, मैक्सिमम फॉर्मूला। मैक्सिमम फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम मैक्स फॉर्मूला लगा के। अब आप देखेंगे तो इसका सिंटेक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें लिख के आता है नंबर वन नंबर टू। इसी तरीके से इस फॉर्मूला के अंदर 255 नंबर्स तक हम कॉमास के बाद नंबर दे सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर वन और नंबर टू को हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देते हैं ज़ीरो, तो पहला नंबर हमने दे दिया। जैसे ही हमने पहला नंबर दिया, यहाँ पे तीसरा नंबर बढ़ जाता है और सेकंड नंबर हाईलाइट हो जाता है बोल्ड से। अब सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन। इस मैक्स फॉर्मूले के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं, नंबर वन सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, टैक्स कैलकुलेट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई माइनस में वैल्यू आती है, उसका जो टैक्स माइनस में कैलकुलेट होगा वो हमेशा ज़ीरो से कम होता है। तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू माइनस में है, उसका जो भी टैक्स कैलकुलेट हुआ वो माइनस में हुआ, बट हमने इस फॉर्मूला में लगा रखा है कि ज़ीरो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो जब भी वो माइनस में कैलकुलेशन करेगा तो हमें वो ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्स फॉर्मूला। इस तरीके से ही हमारे पास एक मिनिमम फॉर्मूला भी है। अगर मिनिमम फॉर्मूला हम यूज़ करें तो मेरे पास यहाँ पे एक सेल्समैन है जो 2 लाख रुपए की सेल कर रहा है, बट मैंने उसका एक कमीशन फिक्स कर रखा है कि अगर वो कितना भी सेल कर ले, कितना भी 10 से 15-20 लाख सेल कर लेगा, उसको 30,000 रुपये का कमीशन ही मिलेगा। उससे नीचे अगर वो करता है तो मिनिमम जो भी मिलेगा उसको 10% मिलेगा, और मैक्सिमम जो भी मिलेगा वो मिलेगा 30,000 रुपये। तो अब मिनिमम कैलकुलेशन में किस तरीके से लेके आ सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कमीशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेल्स वैल्यू कमीशन परसेंटेज मल्टीप्लाई एंटर, तो यहाँ पे 20,000 रुपये आ रहा है। बट जैसे ही यहाँ पे मैं इसको 12 लाख कर देता हूँ, सॉरी 2 लाख आ रहा था, और जैसे ही मैं इसको 12 लाख कर देता हूँ तो ये 1,20,000 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैंने उसका एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि दोस्त तू अगर जितना भी ज़्यादा सेल कर ले, मैं तेरे को 30,000 ही कमीशन पे करूँगा, 10% से कम बिल्कुल नहीं होगा, और मैक्सिमम जो होगा वो 30,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं मिनिमम फॉर्मूला का यूज़ करके अगर मेरे पास 2 लाख होगा तो मैं उसको 20,000 दूंगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 15 लाख पहुँचे तो वैल्यू 30,000 आ जाए, जो कि यहाँ पे 1.5 लाख आ रही है। तो मिनिमम क्या करना पड़ेगा, मुझे मिनिमम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैलकुलेट वैल्यू ले, और अगर उससे नीचे कोई वैल्यू है, नीचे वैल्यू कौन सी है उसकी, 30,000, तो मैं इस 30,000 को सेलेक्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 30,000 आ रहा है, अगर मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ तो 20,000 हो गया, 1 लाख कर देता हूँ तो 10,000 हो गया, लेकिन जैसे इसको मैं 8 लाख करता हूँ तो ये 30,000 पे जाके अटक जाता है, इससे ज़्यादा उसको कमीशन नहीं दे सकते हम। यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास दूसरा एग्जांपल है
सपोज आपके पास कुछ डेटा है, इसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे हम मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और रेंज दे देंगे। इस डेटा में मेरे पास मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास है 4988, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सेकंड लास्ट वैल्यू चाहिए, थर्ड लास्ट वैल्यू चाहिए या टॉप फाइव वैल्यूज चाहिए, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है लार्ज। सबसे पहले उसे हम रेंज देंगे, इस रेंज से हमें वैल्यू निकालनी है, और इसके बाद नंबर। तो यहाँ पे के का मतलब है नंबर, तो नंबर का हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया और जो हमने रेंज लिया है उसको फिक्स कर दिया और एंटर प्रेस। आप देखेंगे फर्स्ट जो मैक्सिमम है वो तो आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसके बाद की जो इससे नीचे वैल्यू है, सेकंड लास्ट वैल्यू, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, यानी टॉप फाइव वैल्यूज हमारे पास शो हो जाती हैं, जो कि मैक्सिमम फॉर्मूला नहीं कर सकता। इसके अलावा सेम अगर हम ये कहें कि हमें इसमें से सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है इस रेंज में से, तो मिनिमम यानी मिन का फॉर्मूला लगे और रेंज, दैट्स इट, एंटर। हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू 397, बट अगर सेम हम कहें कि हाँ सब पांच सबसे छोटी वैल्यू अगर निकाले तो कैसे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल। स्मॉल का एरिया जहां से हमें नंबर्स पिकअप करने हैं, फ्रीज कर देंगे इसे, और नंबर पे हम के की वैल्यू हम देंगे इस रेफरेंस के थ्रू, और हम चेक करेंगे तो सबसे टॉप वैल्यू जो मिनिमम है वो 397 दोनों जगह है, लेकिन सेकंड वैल्यू, थर्ड मिनिमम वैल्यू, फोर्थ मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो कि है स्मॉल फॉर्म से। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।